वीरपुर पुलिस ने 15 पेटी अवैध शराब के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। वीरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, 15 पेटी अवैध शराब ले जाते हुए युवक को गिरफ्तार किया। श्यामवीर सिंह तोमर थाना प्रभारी वीरपुर ने मैं पुलिस टीम के साथ ग्राम छावर नहर की पुलिया रवाना होकर गोरस्तर पहुंचकर चेकिंग प्वाइंट लगाया। गोरस तरफ से आने वाली कारों और वाहनों की चेकिंग की गई। थोड़ी देर बाद शिवपुर तरफ से एक वाहन MH4W6209 एशियन स्लेटी कलर की आती हुई दिखी, जिसको पुलिस ने रोका और पूछताछ के नाम पता पूछा तो ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम कल्याण उर्फ कल्लू रावत पिता भगवान सिंह उम्र 22 साल निवासी ग्राम सिकरोदा थाना जौरा मुराना घोड़ा बताया। वाहन को चेक करने पर खाकी रंग के कार्टून रखे दिखे। खाकी रंग के कार्टून को वाहन से उतारा गया, जिसमें 15 कार्टून देसी काउंटी क्लब मदिरा कीमती 72,000, वाहन एशियन कार कीमती 1,00,000 रुपए जब्त कर आरोपी कल्याण उर्फ कल्लू रावत को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी से सख्ती से पूछा तो आरोपी ने बताया कि पंचायत चुनाव में शराब इकट्ठा करने के लिए बताया। संवाददाता दिलीप कुशवाहा की रिपोर्ट। अवैध जो है शराब पकड़ी है, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताया था, क्या कैसे आपकी रणनीति रही? आज सुबह की बात है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुर का कॉल आया कि आप फॉरन प्वाइंट लगाइए। सूचना प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति कार में अवैध शराब लेके जा रहा है। श्रीमान माइबर के प्वाइंट के पालन में हमने चेकिंग लगाई जी। चेकिंग के दौरान हमने गाड़ी पकड़ी जो महाराष्ट्र पास है एक्सीडेंट जी, जिसमें चेकिंग के दौरान हमें 15 पेटी काउंटी क्लब शराब की मिली है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, आरोपी से पूछताछ जारी है। आरोपी द्वारा बताया गया है कि ये पंचायत चुनाव में बेचे जाने के लिए लेके जा रहा था जी। लोगों की मंशा तो यही है जी। करीब गाड़ी की कीमत लगभग 1,00,000 आंकी जा रही है जी, और शराब की कीमत है 72,000 जी।